हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पिंकीज स्पार्क। और आज हम बनाने जा रहे हैं मावा बर्फी विथ ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स, एकदम बाजार जैसी। इतनी टेस्टी होती है ये मिठाई कि इसको बनाते बनाते ही मेरे मुंह में पानी आ गया था। इस दिवाली आप ये मावा बर्फी ज़रूर बनाइए और फीडबैक शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। इस बर्फ़ी की सबसे ख़ास बात ये है कि ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं आपको, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, 250 ग्राम मावा और 250 ग्राम शुगर, 1 टीस्पून केड़ा वाटर ले लिया है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम एक पैन में दूध ले लेंगे और उसको गैस पे चढ़ा लेंगे और दूध में बॉयल आने देंगे। आप पहले से बॉयल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं और कच्चा दूध भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो दूध में बॉयल आने लगा है, इस स्टेज पर हम इसमें मावा ऐड कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे और हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए मेल्ट करेंगे। वैसे तो ये नॉन स्टिक है तो इसमें नीचे लगने का डर नहीं है, पर फिर भी इसे चलाते रहेंगे क्योंकि सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मावा एकदम से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसे 2 मिनट और चला लेंगे। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको लगातार चलाते रहना है और इन चीज़ों को बनाने में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है पर चीज़ बढ़िया आती है। तो हम इसको लगातार मीडियम से लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक हमारी कंसिस्टेंसी ठीक ना हो जाए। तो हमें इसे चलाते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसका टेक्सचर भी थोड़ा ठीक हो गया है। तो बस अब हमें इसी तरह से मीडियम से लो फ्लेम पर चलाते रहना है। तो देखिए ये थोड़ा दानेदार हो गया है, एकदम से कलाकंद वाला टेक्सचर इसमें आ गया है। तो बस इसे हम और चलाते रहेंगे जब तक ये पैन ना छोड़ दे। तो देखिए इसने पैन एकदम से छोड़ दिया है और हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो इस स्टेज पर हम इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो केवड़ा वाटर की जगह इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। तो हमारा मिक्सचर रेडी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमने एक बड़ी थाली ले ली है और उसे घी से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसमें अपने मिक्सचर को डालेंगे एकदम बीचों बीच में। अब एक कटोरी की मदद से इसके बैक से इसे अच्छे से फैला लेंगे। इसको सुंदर बनाने के लिए हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर गार्निश कर लेंगे और चारों तरफ बराबर से स्प्रेड कर देंगे। एक बार और कटोरी से दबा लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे से लग जाएं। सो अब हम इसे 6 से 7 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। तो 7 घंटे हो चुके हैं और हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नॉर्मल चाकू से भी इसे काट सकते हैं। तो हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे, आप इसे कोई भी मनपसंद शेप में काट सकते हैं। तो बस केयरफुली हम इसके पीसेस को अलग कर लेंगे। तो बस हमारी मावा बर्फी तैयार है। ये दिवाली आई नो हर साल से अलग होगी क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और बाहर की स्वीट्स और मिठाइयाँ खाना सेफ नहीं है। तो इसलिए अपने घर पर ही अपनी प्रॉपर हाइजीन के साथ एकदम हलवाइयों से भी अच्छी आप मिठाई बना सकते हैं। और आप किसी भी स्वीट्स के डिब्बे में आप इसे रख के गिफ्ट भी दे सकते हैं, कोई पहचाने का भी नहीं कि आपने ये घर पे बनाई है या आपने बाज़ार से मंगाई है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और आखिर में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना ना भूलें, मुझे उन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।